नमस्कार, मैं हूं आलिया इलियासी और आपकी पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम के इस नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बदलाव का दौर है। हर तरफ चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं। शहर और महानगर तो है ही, और अब स्मार्ट सिटी की बात भी होने लगी है। पर एक पल रुककर जरा सोचिए, क्या गाँव को मुख्य धारा से जोड़े बिना शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। शहर स्मार्ट जभी बनेगा जब गांव आदर्श ग्राम बन सकेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर माननीय सांसदों ने गांव को गोद लेने की जो पहल शुरू की है, उससे गांव के विकास कार्यों में काफी तेजी आई है। इस योजना का उद्देश्य गांव को समृद्ध और खुशहाल बनाना है। एक ऐसे गांव का निर्माण करना है जहां तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और हर ग्रामीण आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू हुए महज अभी 2 साल ही हुए हैं। देश के 6.5 लाख गांव में से अभी तकरीबन 700 ही ऐसे गांव हैं जिन्हें माननीय सांसदों ने गोद लिया है। जिन गांव को सांसदों ने गोद लेकर उन पर काम करना शुरू किया है, धीरे धीरे ही सही उन गांव की तस्वीर बदलने लगी है। इस कड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश उज्जैन में बसे बड़ा गांव में, जिसे गोद लिया है उज्जैन से सांसद थावरचंद गहलोत ने। आज के कार्यक्रम आदर्श ग्राम में हमारी टीम रुख कर रही है मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के खाचरोद प्रखंड में बसे बड़ा गांव की ओर। लगभग 3,500 की आबादी वाले इस गांव ने बहुत कम समय में अपने आप को एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर राज्यसभा से सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने जनवरी 2015 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बड़ा गांव को गोद लिया और शुरू हुई बड़ा गांव के बदलाव की कहानी। ये आदर्श सांसद ग्राम योजना के बारे में 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने सीधे इसका चर्चा की थी और बताया था कि हर गांव, हर सांसद यदि एक एक गांव अपने क्षेत्र में ले लेता है तो उसको एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए ताकि बाकी गांव भी उससे प्रेरणा लेके उस तरह के बेहतर गांव बन सके। तो उसी संदर्भ में हमारे केंद्रीय मंत्री जी थावरचंद जी गहलोत साहब ने इस गांव का चयन किया और ये जनवरी 2015 में इसमें काम प्रारंभ हुए। ये रास्ते कभी ऊबड़ खाबड़ हुआ करते थे। सड़कों में जहां तहां गड्ढों की वजह से आवागमन की परेशानी बनी रहती थी, लेकिन सांसद निधि और पंच परमेश्वर निधि के सहयोग से बनी ये सड़कें आज हमारे आदर्श गांव बड़ा गांव की गति का आधार है। सड़कें हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं और सड़क बन जाने के बाद इलाके के आला अधिकारी भी इस गांव का नियमित दौरा करने लगे हैं। एक दौर था जब इलाके में कोई सरकारी अधिकारी नहीं आना चाहते थे, पर सांसद महोदय की मुस्तैदी से गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बन जाने से अवसर अब आने लगे हैं, जिससे विकास कार्यों में भी काफी तेजी आई है। मैंने गांव में जाकर के ग्राम के सब मोहल्लों का भ्रमण भी किया, बहुत सारे कामों की समीक्षा की। जिले से विभागीय स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनके सब मुखिया वहां मौजूद थे, कलेक्टर भी उपस्थित थे और समीक्षा की और योजनाएं बनाई। योजना पर इम्प्लीमेंट करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तय किए हैं। कुल मिलाकर 2019 तक ये गांव आदर्श गांव की परिधि में आ जाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है और उम्मीद है कि सफल होंगे। गांव के भीतर भी कच्चे रास्तों पर कभी बारिश का तो कभी घरों से निकलने वाला दूषित पानी जमा रहता था, पर आज इन सीसी सड़कों के निर्माण के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। सड़क किनारे बनी इन नालियों ने भी गांव वालों की जिंदगी आसान बनाई है। ग्रामीण राम सिंह लोधिया विस्तार से बताते हैं कि बीते साल में क्या कुछ बदला है इस गांव में। आइए पहले उनको सुन लें। साल भर के अंदर करीब गांव में 70% बदलाव हो गया। करोड़ों रुपए की सौगात आ गई मंत्री साहब के द्वारा से। तीन अंगड़ आंगनवाड़ी बड़े अच्छे बने, 18-18, 19-19 लाख के आंगनवाड़ी है। तीनों में मिला के 18-54 लाख करीब होते हैं। इतना खर्च हो गया उनका। इसमें क्या, एक पंचायत दी उन्हें भवन, नया बिल्डिंग दी, 16 लाख करीब की बिल्डिंग है। और उनकी तरफ से गांव में मुख्यमंत्री एक रोड खरंजा बना कम से कम 1 किलोमीटर का,
एक फिर बस स्टैंड से लगा के उस चंदवासला गांव तक 5 किलोमीटर प्रधानमंत्री योजना रोड बना डमर, उस बीच बस स्टैंड पर खरिंजा बना और एक नाली बस स्टैंड से वहाँ लगा के तारीख पास तक 200 मीटर की एक नाली बनी अभी, और उनके तरफ से करीब सारी योजना और भी गांव में इंदिरा आवास चल रही है। इन सब बदलावों के लिए राहें इतनी भी आसान नहीं थी। वाकई अगर एक साल में इतना कुछ बदल सकता है तो आने वाले समय में क्या कुछ नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत गांव की संसद होती है। बड़ा गांव में पंचायत भवन का निर्माण कार्य काफी अरसे से नहीं हो पाया था। अब जाकर 16 लाख रुपए की लागत से पंचायत भवन निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। यहाँ पे पंचायत भवन जो पहले यहाँ एक कमरे का ही था, ये भी सेंक्शन हुआ, वो लगभग बन रहा है और शीघ्र ही पूरा होगा, तो उसमें फिर पंचायत भवन लगना शुरू होगा। फिलहाल पंचायत भवन के सहारे में ही तमाम युवा और अनुभवी ग्रामीण मिल बैठकर तमाम सरकारी योजनाओं को समझते हैं और उनका गांव के विकास में कैसे इस्तेमाल करना है इसका खाका तैयार करते हैं। ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं का समाधान तलाशा जाता है, विचार विमर्श कर मसौदे तैयार किए जाते हैं जिस पर सरपंच अपने दस्तखत कर फाइल आगे बढ़ाता है। और इस तरह से आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि बड़ा गांव पंचायत अपने नागरिकों के हर हक और अधिकार के लिए सजग है। अगर देश के सभी गांव की पंचायत इतनी ही समझदारी से काम करे तो हर गांव आदर्श ग्राम बन सकता है। बड़ा गांव में मैंने विकास कार्य, तो उसमें सीसी रोड है, तो रोड है, आसपास के गांव से, तहसील मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से कनेक्टिविटी है, वो सब देने का काम किया है। आंतरिक मार्ग भी सीसी रोड बना करके सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। दोस्तों ये तो अभी एक झलक भर है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कितना संवेदनशील है हमारा आज का आदर्श गांव बड़ा गांव। हर पहलू पर होगी बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। गर्भवती महिलाओं के लिए इस उपचार केंद्र में बेहतर सुविधा तो है ही, आम महिलाओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर भी ये स्वास्थ्य केंद्र काफी मददगार है। यहाँ परिवार नियोजन से लेकर कुपोषण तक से निपटने तक का खास इंतजाम है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम आदर्श ग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत बड़ा गांव इस मामले में बेहद खुशनसीब है कि यहाँ महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। नवजात शिशुओं और माओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। जब हमारी आदर्श ग्राम की टीम बड़ा गांव पहुँची तो हमने देखा कि यहाँ के आंगनवाड़ी सह स्वास्थ्य केंद्र काफी सक्रिय हैं। यहाँ नियमित डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, हर तरह की छोटी मोटी जाँच यहाँ बड़ी ही आसानी से हो जाती है। प्रसव के लिए गाँव की महिलाओं को बाहर नहीं जाना होता, प्रसव के बाद भी नवजात शिशु की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और टीकाकरण की काफी बेहतर सुविधाएं हैं। पहले हम शहर जाते थे गोली दवा के लिए, अब ये गांव में सब मिलता है, तो ये सब यासेज हमारे को प्राप्त होता है। आदर्श गांव में सब हमारे को मिल रहा है, तो शहर जाना नहीं पड़ता है, अब ये गांव में सब मिल जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए इस उपचार केंद्र में बेहतर सुविधा तो है ही, आम महिलाओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर भी ये स्वास्थ्य केंद्र काफी मददगार हैं। यहाँ परिवार नियोजन से लेकर कुपोषण तक से निपटने तक का खास इंतजाम है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के बारे में भी लोगों को लगातार बताया जाता रहता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती हैं। गांव आदर्श होने से हमारे गांव में बहुत अच्छी सुविधा मिली है। यहां से गांव औरतों को बाहर नहीं जाना पड़ता है किसी भी सुविधा के लिए, यानी कि किसी भी एडमिट करवाने के लिए बहुत कुछ मिला है। यहीं कुछ टेबलेटें मिल जाती है, यही चेकअप भी हो जाती है, उनकी पूरी तरीके से जांच भी हो जाती है। गाँव से बाहर या शहर नहीं जाना पड़ता है, वो अपनी खुद की सुविधा यहीं कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि गाँव की औरतों में एक झिझक रहती है, ये अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में भी खुलकर नहीं कह पाती। ऐसे में ये आंगनबाड़ी सह स्वास्थ्य केंद्र इन महिलाओं के लिए तो जैसे एक वरदान है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और डॉक्टर लगातार महिलाओं से संवाद कर उन्हें जागरूक करती हैं और उनका मनोबल बढ़ाती हैं। टीकाकरण
गर्भवती महिला का रखरखाव, उसको कितना खाना कब देना है अपने को, कितने टीके लगना है, कितने टीके लगवाते हो गर्भवती? दो टीके लगते हैं टेटनेस के, और उसको आयरन फॉलिक एसिड की 100 टेबलेट खाना। इन औरतों का उत्साह और इस गांव की माटी की महक यहां के लोकगीतों की धुनों में साफ महसूस की जा सकती है। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि हमारे आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत गांव बड़ा गांव के नन्हे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र किसी जादुई दुनिया सा है। मन पसंद पौष्टिक भोजन, नाचना गाना, खेल खिलौने, वाकई यहाँ बचपन एक उत्सव सा है। यहाँ काम करने वाली शिक्षिकाएं बड़े प्यार और नरमी से नन्हे फरिश्तों को आने वाले कल के लिए तैयार करती हैं। अनुशासन और संयम का पाठ ये बच्चे अभी से समझने लगते हैं। एक साथ बैठकर पढ़ना, भोजन करना और मिलजुल कर खेलना बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। आज तो आंगनबाड़ी केंद्र में बहुत रौनक है, पर शुरू में ऐसा नहीं था। आदर्श ग्राम की हमारी टीम को बताया गया कि बड़ा गांव में 3 आंगनबाड़ी केंद्र काम कर रहे थे, लेकिन किसी आंगनबाड़ी के पास अपना भवन नहीं था। सांसद महोदय के गोद लेने के बाद इन 3 भवनों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे 3 आंगनबाड़ियाँ थी, लेकिन भवन एक भी नहीं था, तो 3 ही भवन सांसद निधि से उसमें कन्वर्जेंस करके सांसद जी ने कुछ पैसा दिया और मनरेगा से मिला के 3 आंगनवाड़ी भवन यहाँ तैयार हुए हैं। दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान, इनकी बात तो हमेशा होती है, मगर सच तो ये है कि अगर हमारे गांव में शिक्षा पर जोर दिया जाए तो ये 3 बुनियादी चीजें लोगों को अपने आप ही मिल जाएंगी। आज काफी गाँव में कॉलेज तो क्या, हाई स्कूल की शिक्षा व्यवस्था भी मुहैया नहीं हो सकी है। बड़ा गांव में शिक्षा का क्या माहौल है, आइए जानते हैं। शिक्षा को लेकर भी गांव के बच्चों में जागरूकता ऐसी है कि शिक्षकों की कमी होने के बावजूद भी 75% अंक से पास हो रही हैं यहां की बेटियां। वाकई अगर इन्हें एक ठोस मार्गदर्शन मिल जाए तो ये अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती हैं। इनके सपने बड़े और इरादे मजबूत हैं। ये बिटिया बड़े ही गर्व से बताती है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी। और डॉक्टर बनके क्या सबका इलाज करोगी? सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये माध्यमिक विद्यालय साल 2004 से चल रहा है। धीरे धीरे यहाँ चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, पर इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि शिक्षा सचिव घनश्याम सिंह इस बात का दावा करते हैं कि पहले बड़ा गांव में लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब स्थिति बदली है और 80% लड़कियां आज स्कूल जा रही हैं। पहले गांव के लोग बालिकाओं को बहुत कम भेजते थे स्कूल, तो माननीय मोदी द्वारा मंच से लोगों को प्रेरित किया गया, जिस पर बालिकाओं की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 80% से भी ऊपर लोग बालक बालिकाएं यहाँ स्कूल में आते हैं और पढ़ाई करते। शिक्षा के अलावा इस गांव में एक बड़ी समस्या पानी का संकट भी है। आदर्श ग्राम की टीम को बताया गया कि जिस साल अच्छी बारिश होती है उस साल तो पानी की दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बारिश ना हो तो पानी की दिक्कत हो ही जाती है। सांसद महोदय के प्रयास से 2 गहरे नलकूप की व्यवस्था की गई है और नहर परियोजना से भी जुड़ने की बात की जा रही है। बड़ा गाँव में जल आवर्धन योजना स्वीकृत कराई है, उसका निर्माण कार्य अभी होना है। पानी की कमी को ध्यान में रख कर के 2-3 ट्यूबवेल खोदे थे और सांसद निधि से और विधायक निधि से हमने कुछ पैसा देकर उसमें मोटर वगैरह भी फिट की है और उसके कारण पहले से ठीक ठाक पानी मिलने की स्थिति में है। पानी की समस्या से निपटने के लिए एक स्थायी परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। ग्रामीण लोगों को स्थायी समाधान के लिए ग्रामीण लोगों की आज ग्राम सभा हुई, उसमें खास तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ पास में जलवाल गांव है, वहाँ नदी किनारा है, वहाँ से यदि पाइपलाइन 3 किलोमीटर की ले आई जाए तो पानी की स्थायी निराकरण हो सकता है, तो उस बारे में ग्राम सभा से प्रस्ताव पास हुआ है। युवाओं की उमंगों और उत्साह को उस समय पंख मिल गए जब आदर्श ग्राम बड़ा गाँव में 20 लाख की लागत से भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। खेलों में यहाँ की युवाओं का शुरू से ही रुझान रहा है और सांसद महोदय की पहल के बाद बनते इस स्टेडियम ने इन खिलाड़ियों ही नहीं
तमाम गांव वालों में भी एक उत्साह का संचार किया है। बड़ा गांव में मैंने, चूंकि उस गांव में कबड्डी के प्रति रुचि रही है और उस गांव का चयन करने के पीछे मैं भी वहां आता जाता रहा हूं और मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूं, तो वहां मैंने एक खेल मैदान के लिए सांसद निधि से 20 लाख रुपए की धनराशि दी, वो स्टेडियम बन रहा है। बड़ा गांव में बिजली की बहुत समस्या रहती थी, इसी स्टेडियम के पास बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के लिए बिजली घर का भी काम शुरू हो गया है। आज दिन में 12 से 14 घंटे बिजली रहती है। इस पावर प्लांट के शुरू होते ही इन्हें ज्यादा समय तक बिजली मुहैया हो सकेगी। गांव की असली दौलत वहां के खेत खलियान ही है। मेहनतकश किसानों की तपस्या तब जाकर सार्थक होगी जब वहां की फसलों की बम्पर पैदावार हो। गांव के लोगों की आजीविका का एकमात्र सहारा खेती ही तो है। अगर फसल अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है गांव वालों की जीवन शैली भी अच्छी होगी। आइए देखते हैं हमारा आज का आदर्श गांव बड़ा गांव इस पहलू पर कितना खरा उतरता है। गुलाब का फूल न जाने कितने ही शायरों, कवियों और साहित्यकारों के लिए प्रेरणा रहा है। प्रेमियों के लिए तो इस फूल का और ही मतलब है, लेकिन जरा इन किसानों के बारे में सोचिए जो हम सब के लिए गुलाब उगाते हैं। अपने हिस्से का कांटा अपने लिए रखकर हम तक ताजा और महकता गुलाब पहुंचाते हैं। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि बड़ा गांव में गुलाब की बम्पर फसल होती है। ये गुलाब इन खेतों की खुशबू लिए बाजार के माध्यम से दूर दूर तक पहुँचता है। गुलाब के साथ ही कुछ और फूलों की भी खेती यहाँ होती है। फूलों का कारोबार यहाँ खूब फल फूल रहा है। फूलों के अलावा प्याज और लहसुन की पैदावार आदर्श ग्राम बड़ा गांव के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। यहाँ के ग्रामीणों की आय का सबसे बड़ा जरिया। पुरुष महिलाएं सभी पूरे मन से इस काम में लगते हैं। प्याज को छांट कर गोदामों को सहेजते हैं, जहाँ से ये राज्य भर में ही नहीं बल्कि देश भर में आयात किए जाते हैं। बड़ा गांव के किसान जानते हैं कि इनकी असली पूंजी ये फसल ही है, तो वे भी जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं। ट्रकों में भर भर कर प्याज और लहसुन बाजार तक पहुंच रहा है। सांसद महोदय भी समय समय पर इस गांव का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लेते रहते हैं और यही वजह है कि आज बड़ा गांव आस पास के गाँव के लिए मिसाल बनकर उभरा है। गाँव के लोग खुश है कि उनकी जिंदगी बदल रही है। पहली बार हमारे गांव में वो बड़ी सौगात मिली कि आज तक हमारे गांव में पहले गठिया विधानसभा में थे, वहाँ से निकले खाचो नागदा विधानसभा में जुड़े हम आज से 5 साल पहले। तो जुड़ने के बाद हमारे दिलीप सिंह जी विधायक साहब बने, उन्होंने अच्छी सौगात दी और हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे केंद्र साहब, हमारे मंत्री साहब हमारा गाँव गोद लेगा और इतना बड़ा विकास करेगा। उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया उस गाँव के प्रति, उन गाँव की खेल बावधान कबड्डी को 50 वर्ष चल रही थी उस कबड्डी को उन्होंने पहले देखा इस गाँव की टीम, और इस सौगात के लिए उन्होंने स्टेडियम दिया। वहाँ पे बच्चे खेलते भी, क्रिकेट भी खेलेगा और आगे बच्चे कोई आर्मी में जाएगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई सारी सरकारी कर्मचारी योजना भी बने, किस में जाएगा वो, ये हमें खुद मालूम नहीं थी कि हमारे मंत्री साहब के गांव गोद लेने का इतना बड़ा काम होगा। दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे हमारे आज के आदर्श ग्राम बड़ा गाँव के कुछ और नए रंग। हजारों मील लंबी यात्रा भी बस एक पहले कदम से ही शुरू होती है और यकीनन बड़ा गांव ने पूरे मन से अपना पहला कदम बढ़ाया है। इस बदलाव के लिए सांसद महोदय गांव वालों की तारीफ करना भी नहीं भूलते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आदर्श ग्राम। ऐसा भी नहीं है कि बड़ा गांव को वो सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए। अभी इस गांव को लंबा सफर तय करना है। हजारों मील लंबी यात्रा भी बस एक पहले कदम से ही शुरू होती है और यकीनन बड़ा गांव ने पूरे मन से अपना पहला कदम बढ़ाया है। इस बदलाव के लिए सांसद महोदय गांव वालों की तारीफ करना भी नहीं भूलते। वे मानते हैं कि गांव वालों के समर्थन से राहें आसान होती गईं। मैं जब भी दौरे पर जाता हूँ तो उनके बीच में खूब घुल मिल करके बैठता हूँ, बात करता हूँ और मुझसे बात करने में न वो संकोच करते हैं न मैं उनसे बात करने में संकोच करता हूँ। इसलिए मुझसे तो जो जो समस्याएं और किस कारण से है वो सब लोग खुल के बताते हैं और उससे
गांव में समस्या की जड़ कहाँ है उसका पता लग जाता है, हल करने का तरीका भी वो बता देते हैं, समाधान का उपाय भी वो बता देते हैं। इसलिए मेरा अनुभव तो यह है कि अगर सहयोग करने की नीयत से आप जा रहे हो और अच्छी नीति लेकर के जा रहे हो, लोगों को एहसास हो जाए कि इनकी नीति और नीयत अच्छी है, तो वो खुल के बात भी बताएगा, खुल के सहयोग भी करेगा। दोस्तों, इंद्रधनुष में तो सिर्फ 7 रंग होते हैं, पर हमारे इन अपने गांव में हजारों रंग हैं। ये रंग कभी फीका ना पड़े, इसी कोशिश का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आदर्श ग्राम। इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम देश के दूर दराज इलाकों में मौजूद उन गांवों के विकास की कहानी बताती है जो न सिर्फ अपने इलाके बल्कि समस्त देश के लिए आदर्श ग्राम बन रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका गांव भी तरक्की और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आपका गांव भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, सीपीसी दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। आज के हमारे कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आपने देखा मध्य प्रदेश उज्जैन में बसे बड़ा गांव के बारे में। हमारे आज के कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो, तो हमें जरूर लिखें। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूं आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम के अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।